हेलो फ्रेंड्स, मैं गोपाल सिंह। आज हम पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्टडी करेंगे कि पीएलसी प्रोग्रामिंग में जनरली हम किस किस लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं। तो इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो हमारी लैंग्वेज है फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, क्योंकि पीएलसी का जो प्रोग्राम होता है पीएलसी लॉजिक गेट्स में प्रोग्राम को पढ़ती है। तो ये जो लैंग्वेज है ये लॉजिक गेट्स की लैंग्वेज है। हम इस पर लिख भी सकते हैं फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, ये डायरेक्ट लॉजिक गेट्स होते हैं, ठीक है। तो पीएलसी लॉजिक गेट्स की लैंग्वेज में प्रोग्राम को रीड करती है, बट लॉजिक गेट में प्रोग्राम को करने से पहले क्या था कि जो इलेक्ट्रिकल वाले बंदे होते हैं या जो मेंटेनेंस में काम कर रहे होते हैं उनको गेट्स का ज्ञान नहीं था, तो उनको बड़ा दिक्कत आती थी समझने में। तो साथ ही साथ फिर एसटीएल भी उनको समझ में नहीं आया लैंग्वेज। तो बाद में फिर लैडर डिजाइन किया, जो लैडर लैंग्वेज है वो बिल्कुल ही इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम की तरह होती है। सेम एनओ एनसी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, कॉयल होती है। तो हम प्रोग्राम जो बनाते हैं जनरली तीनों लैंग्वेज में से किसी में भी बना सकते हैं, लेकिन हमारी जो प्रायोरिटी है वो लैडर ही होती है। हम जब भी कोशिश करते हैं लैडर में बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। पीएलसी इसको गेट्स में कन्वर्ट करती है, ठीक है ना। तो हम चाहें तो दूसरी लैंग्वेज में भी प्रोग्राम को बना सकते हैं, लेकिन लैडर में बनाते हैं। तो हम तीनों लैंग्वेज का थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको आज देते हैं, ओके। तो पहले हम लेते हैं लैडर लैंग्वेज। लैडर में बेसिकली क्या होता है, इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है इनपुट। इनपुट में आपका होगा एनओ कॉन्टैक्ट और एनसी कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये दो एलिमेंट इनपुट के होते हैं, एनओ और एनसी। दूसरा होता है आउटपुट। आउटपुट में कॉइल्स, कॉइल्स होती हैं आउटपुट में, जैसे कॉन्टैक्टर की कॉइल, टाइमर की कॉइल, काउंटर कॉइल, कॉइल्स आती हैं सभी, ठीक है। और तीसरा होता है रंग, आर यू एन जी, रंग। रंग कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वन आउटपुट विद सम एनओ एनसी कॉन्टैक्ट्स इन सीरीज पैरेलल कंडीशन। आरएलसी में उसको हम स्टेप कहते हैं। जैसे हम कोई आरएलसी ले लेते हैं, आरएलसी को पीएलसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। मान लो हमने एक सर्किट छोटा सा ले लिया, एक पुश बटन है, ये स्टॉप स्टार्ट और ये कॉन्टैक्टर है केबल, ठीक है। और इसको हमने होल्ड करा दिया केबल से, राइट। तो ये हमारा एक DOL स्टार्टर बन गया। क्या बन गया? DOL स्टार्टर, ओके। अब इसको, ये तो है हमारा आरएलसी में, ये काहे में रिले लॉजिक कंट्रोल में, ठीक है ना। अब हम इसको पीएलसी में कन्वर्ट करेंगे। तो पीएलसी में सिंपली, और हम K1 से एक और ले लेते हैं, K1 के एनओ से हम कोई भी दो, एक K2 कॉन्टैक्टर ले लेते हैं इंडिकेशन के लिए। तो अब हम इसे पीएलसी में कन्वर्ट करते हैं। तो पीएलसी में जो एनसी इस तरह का सिंबल है स्टॉप का, और ये है स्टार्ट का। स्टॉप का जो ये सिंबल है पीएलसी में केवल ऐसे बनेगा। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, एनो कॉन्टैक्ट जो बनेगा वो ऐसे हम लेंगे लैडर में, ठीक है। थोड़ा इधर रखना कैमरा। और एनसी कॉन्टैक्ट हम ऐसे लेंगे, इधर दिख रहा है ना। और कॉयल होगी, तो कॉयल कोई भी है हम इस तरह लेंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या है, एनसी कॉन्टैक्ट लिया, ये एनसी है, तो हमने यहाँ ऐसे बना दिया। जबकि पुश बटन में ऐसे बनता है, और एनओ पुश बटन का ऐसे है, बट हमें ऐसे लेना है, ठीक है। और आउटपुट को हमें ऐसे लेना है, और होल्डिंग में भी एनओ। अब इस पे एड्रेस दे दो, मान लो ये दे दिया हमने X0, X1,
y0 और y0। तो ये हमारा एक आउटपुट के लिए तीन कॉन्टैक्ट्स लगाए, एक NC और दो NO। तो ये तीनों कॉन्टैक्ट्स और आउटपुट मिलके ये बन जाती है रंग, रंग वन। एक रंग हमारी तैयार हो गई। इसको RLC में हम क्या कहेंगे? स्टेप। RLC में हम क्या कहते हैं इसको? स्टेप। और यहां पे कहेंगे हम रंग। दूसरा क्या है कि K1 का NO है, तो यहां पे आपने K1 को बना दिया हमने y0 का NO लेके, और ये हमने y1। तो ये हमारा दूसरा स्टेप, यहां पे स्टेप 2 हो गया, और यहां पे कहेंगे रंग 2। तो ये रंग्स का मतलब हो गया कि NO NC कॉन्टैक्ट को सीरीज पैरेलल में किसी भी एक आउटपुट के साथ लगा दें तो एक रंग हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारी एक लैडर हो गया। इसके बाद आती है लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स FBD, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। ये क्या है कि गेट्स को हम डायरेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो गेट्स को हम डायरेक्ट रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो हमारा एक NO है और ये पैरेलल में, और ये आउटपुट है x0 x1 x2 y0। ये लैडर है। अब इसे FBD लॉजिक गेट में कन्वर्ट कैसे करेंगे? लॉजिक गेट की लैंग्वेज में हम इसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लॉजिक गेट में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले तोड़ लो। जैसे रेजिस्टेंस हम मेजर करते हैं तो सीरीज पैरेलल सीरीज ऐसे करते हैं, तो जहां जहां पैरेलल कंडीशन आती है उसे तोड़ के एक सीरीज कंडीशन बना लो। तो अब हम क्या करेंगे कि ये तो एज इट इज रहेगा, बट ये जो पैरेलल है पहले हम इसका गेट लगाएंगे। तो पैरेलल की सीरीज कंडीशन बनाने के लिए हम इसे तोड़ लेंगे। कैसे करेंगे? ये हमारा x0 और ये दोनों को मिला के कोई रिजल्टेंट बन गया a, और ये y0 बन गया ना। इसके साथ ये क्या हो गया? सीरीज में हो गया। अब इसको हम कैसे बनाएंगे? पहले हम इसे तोड़ते हैं। तो इसका क्या है? और गेट है, हमने और गेट लगा लिया। और गेट में क्या है? x1 और x2। इसका जो आउटपुट निकला इसके साथ सीरीज है। तो ये हमारा क्या है? x0 है ना, x0 के साथ सीरीज में है। तो सीरीज के लिए हम कौन सा गेट लगाएंगे? एंड गेट। यहां पे हम एंड गेट लगा देंगे और ये हमारा y0 आउटपुट हो गया। तो ये हमारा और गेट हो गया और ये बन गया एंड। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स में जब हम इस लैंग कन्वर्ट करते हैं प्रोग्राम को, तो पैरेलल्स को पहले ब्रेक कर लेते हैं, पैरेलल से फिर एक बनाते हैं, फिर वो सीरीज कंडीशन के साथ जोड़, जितने भी पैरेलल हैं सबसे पहले उनको लेते हैं। ओके, अब अगर मान लो ये NC होता तो क्या होता? यहां पे हम बबल दे देते। ठीक है, NC होता तो यहां बबल दे देते। और अगर मान लो इसमें कोई भी NC होता, मान लो x2 NC होता, तो इसमें हम बबल देते। ठीक है ना, तो ये बबल्स हम NC कंडीशन में बबल्स दे देते हैं। तो ये बेसिकली RL जो PLC का लैडर है, लैडर को हम लॉजिक गेट में कन्वर्ट करते हैं। तो वो मैंने आपको सिंपली बता दिया। ठीक है, अब तीसरी लैंग्वेज आती है STL। STL में क्या है कि इसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इंस्ट्रक्शंस जैसे LD इंस्ट्रक्शन है एनी फर्स्ट NO कॉन्टैक्ट ऑफ एनी रंग। किसी भी रंग का पहला NO कॉन्टैक्ट, एनी यहां से हटा दो, फर्स्ट NO कॉन्टैक्ट ऑफ एनी रंग, किसी भी रंग का पहला NO कॉन्टैक्ट हम LD से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा है LDI, फर्स्ट NC कॉन्टैक्ट ऑफ एनी रंग। ये किसी भी रंग का फर्स्ट NC कॉन्टैक्ट अगर है तो LDI से
रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरा है ए एन, कहीं कहीं इसे एंड भी कहते हैं, ए एन डी, और कहीं कहीं ए एन से लिखते हैं। तो ये है एनो कॉन्ट्रैक्ट इन सीरीज। अगर सीरीज में एनो कॉन्ट्रैक्ट आप डालते हो पहले के बाद तो ए एन से रिप्रेजेंट करेंगे। और नेक्स्ट है ए एन आई, एन सी कॉन्ट्रैक्ट है, ए एन आई में एन सी कॉन्ट्रैक्ट इन सीरीज। ओ आर, एनो कॉन्ट्रैक्ट इन पैरेलल, एनो कॉन्ट्रैक्ट इन पैरेलल। और ओ आर आई, एन सी कॉन्ट्रैक्ट इन पैरेलल, ठीक है। ओ यू टी आउटपुट, ठीक है, ओ यू टी क्या हमारा आउटपुट। तो इस तरीके से हम कोई भी एक लाइन लिखते हैं उसको इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे हमने एक लाइन लिखी एक्स वन एक्स टू वाई जीरो, और दूसरी लाइन लिख ली एक्स थ्री एक्स फोर वाई जीरो वाई वन। अब इसे हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? अब देखो पहला क्या है, ये एनो कॉन्ट्रैक्ट है। तो आप सबसे पहले हम रंग डिफाइन करेंगे, तो ये होगी रंग वन और ये होगी रंग टू, ठीक है, इसकी दो रंग हो गई। अब पहली रंग में का पहला एनो, इसका मतलब हो गया एल डी एक्स वन। अगला जो एनो है बट ये काय में है, सीरीज में। तो सीरीज में अगर एनो आता है तो ए एन, ए एन एक्स टू। एक और डाल देते हैं एनो, एक एन सी इसी में ऐड कर देते हैं, वो एक्स फाइव का ले लेते हैं। तो ये क्या है, एन सी है सीरीज में, एन सी सीरीज में है, तो ए एन आई। तो यहाँ पे आएगा ए एन आई एक्स फाइव और ओ यू टी वाई जीरो, ठीक है, आउटपुट हो गया। अब दूसरी रंग ले लो, दूसरी रंग में है पहला ये है एल डी, पहला एल डी से डिनोट होगा ना एनओ है, तो और ये एन सी होता है तो एल डी आई से होता, तो एल डी एक्स थ्री और एक्स फोर ए एन आई वाई जीरो और आउट वाई वन, ठीक है। तो ये हमारा एस टी एल लैंग्वेज है। हम प्रोग्राम तीनों में से किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया। तो ये मैंने तीनों लैंग्वेज की आपको जानकारी दे दी, ठीक है। तो आप वीडियो वॉच करें, अगर कोर्स करना चाहते हैं इंटरेस्टेड हैं तो आके इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। 5000 में टोटल पैकेज है जिसमें RLC, PLC, SCADA, HMI ड्राइव्स, CNC मेंटेनेंस, हाइड्रोलिक, मतलब बहुत कुछ है। बट ये कि आपको टाइम है और आप आ सकते हैं तो अपना कर सकते हैं, ऑनलाइन चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं। हमारे पास CNC मशीन, BMC मशीन, सभी प्रैक्टिकल लैब्स अवेलेबल हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।